हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एबी रॉक्स टीम्स। तो मंडे के पहले मैच की शुरुआत जो आप करोगे वो होगा मेजर लीग सॉकर का मैच वैंकूवर वर्सेस लॉस एंजलिस एफसी के बीच। 5:11 पे सुबह मैच है। इसके बाद सीधा 13 घंटे के बाद मैच होगा शाम का अफ्रीकन लीग का। तो कल मैच बड़े लिमिटेड है, कल 4 मैच है, बट चारों में से 4 जीत जाएँ तो अच्छी बात है, 4 में से 3 भी जीत जाएँ चलेगा, बट कल मैच बहुत अच्छे हैं। मैं पहले ही बता दूं, कल जर्मनी फेवर टीम अच्छी रहेगी, फ्रांस फेवर अच्छी रहेगी, अल्बानिया का मैच तगड़ा है, कैमरून टीम का मैच है, मज़ा आएगा। तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल, जो लोग जुड़ना चाहते हैं उनके लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल रखा है। रात की एक आधी टीम ओपन भी आएगी, सो बी रेडी। तो आगे चलते हैं, तो बात करें इस मैच की। तो देखिए, लॉस एंजलिस एफसी की रैंकिंग टॉप 3 में, हर बार की तरह एक अच्छा प्रदर्शन की उम्मीद है इस साल भी मेरे को। और वैंकूवर टीम टॉप 10 में बैठी है, लेकिन वैंकूवर टीम अच्छा खेल रही थी पहले, लेकिन अभी आखिरी के कुछ मैचेस में बहुत वीकनेस दिखी है। अब क्या से सुधार करते हैं ये वीकनेस का, वो यही जानते हैं। तो देखते हैं, आगे चलते हैं। तो स्ट्राइकिंग की बात करूँ तो स्ट्राइकिंग सेक्शन में डेनिस बाउंगा एक प्लेयर जो कि मोस्ट फेवरेट प्लेयर है। मतलब मैं कहता हूँ कि अगर आप इसके फेवर में टीम नहीं बना रहे ना, तब भी अगर आप इसे कैप्टन रखोगे तो कभी डिसअपॉइंट नहीं करेगा, इतना अच्छा प्लेयर है। मतलब मैं कहता हूँ, गिरियोड का तो सिर्फ नाम है कि गिरियोड है, ये पहले इटालियन में था, मिलन टीम में खेलता था, ये सिर्फ कहने की बातें हैं भाई। जो प्रदर्शन डेनिस बोंगा दे रहा है वो मैं किसी से एक्सपेक्ट नहीं करता। और बोगस की बात करें, देखिए बोगस को लो, हाँ अगर बोगस नहीं खेलता फिर ओ गिरियोड के साथ चले जाना, बट कैप्टन वाइस कैप्टन गिरियोड को मत रखना, क्योंकि अभी बहुत दिनों से कुछ अच्छा प्रदर्शन नहीं दिखा। ऑपोजिशन टीम की बात करें तो बी वाइट का कंटिन्यू गेम प्ले दिख रहा है, पिकोल्ट की जगह पर ही वाइट ले रहा हूँ, पिकोल्ट तो आएगा नहीं। मिडफील्डिंग सेक्शन में टी टिलमैन, तो मेरे को ना एक बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हुआ है यहाँ पे, इन्होंने हॉलिंग्स हेड को दोबारा से मिडफील्डिंग में डाल दिया। मैं इस बंदे को ना क्लीन शीट के पॉइंट्स के लालच में लेता था, ये देखो इसको 20 पॉइंट मिलते थे ना जब क्लीन शीट लगती थी, बहुत दिनों से ये बंदा वहाँ था, लेकिन अब हॉलिंग सेट को छोड़ना तो बहुत रिस्की है। मतलब मैं तो छोड़ ही नहीं सकता भाई, आप मेरे को इसको बोलोगे ना कि तूने इसको छोड़ना है टी टिलमैन को, तो मैं शायद एक बार छोड़ दूँ, लेकिन हॉलिंग सेट तो मेरा प्राइमरी ऑप्शन है। उसके बाद सी ओलिवेरा भाई, ओलिवेरा चल ही बहुत रहा है, मैं कहता हूँ जो छोड़ेगा वो बेवकूफ़ है। अब मैं टी टिलमैन को ही छोड़ूंगा भाई, क्या कर सकता हूँ मैं इसी को, मैं हॉलिंग सेट के बदले टिलमैन लेना इज़ नथिंग, कुछ भी बेकार हो जाएगा। नहीं तो आर गोल्ड को लो पहले, आर गोल्ड के बाद द नेक्स्ट प्लेयर वॉज पी वाइट, अगर पॉइंट चाहिए, पॉइंट का लालच सबके मन में होता है और होना भी चाहिए क्योंकि आप एक फेंटेसी टीम बना रहे हो। अगर वो नहीं खेलता तो स्कॉप एंड कूबस में से एक प्लेयर ले सकते हो, कूबस एक बहुत अच्छा पॉइंट गिवर है, पीछे 2-4 मैचेस के लिए नहीं खेला था, जब आया तो फिर सीधा 25-30 पॉइंट दे दिए, तो फ़ायदेमंद रहेगा। फिर सिलेक्शन भी कम है, फ़ायदा ले लो। और डिफेंडिंग सेक्शन में ए लॉन्ग के बाद मेरे भाई एस पलेंशिया, ठीक है ये पिछले मैच में अनअवेलेबल थे, आई डोंट नो वाई भाई, जबकि 3 अक्टूबर को ऐसा कुछ इंजरी नहीं थी इनको, पता नहीं क्यों नहीं खेले। एंड मुरिलो तो चलो पता ही है इसके बारे में कि शायद नहीं आए। उसके बाद ना इनका एक क्लियर है ओ कैंपस, मैं जो एम चैनट की जगह लेता हूँ, हॉलिंग्स हेड को भी हर बार लेता हूँ, तो मैंने उसको मिडफील्डिंग ऑप्शन में ले लिया है। गोल कीपिंग की बात करें तो वाई ताका ओका के साथ जाएंगे, जो कि इनके अगेंस्ट पहले भी खेल चुका है और इसका प्रदर्शन इनके अगेंस्ट तगड़ा रहता है। बात करें कैप्टन की, देखिए भाई लोग जिसको मर्जी रखें, आपने डेनिस बोंगा को रखना है कैप्टन। वाइस कैप्टन का इकलौता ऑप्शन बोगस है, बोगस नहीं खेलता तो गिरियोड को ले लेना, बट अपना वाइस कैप्टन बदलकर ओसी ओलिवेरा कर देना, बट मैं चाहता हूँ भगवान करे बोगस खेले, आपको बदलना पड़े ही ना। तो मिलते नेक्स्ट वीडियो में, बाय।